नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो क्लास है हिंदी व्याकरण का पार्ट 7 है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे वाक्य क्या है, वाक्य के कितने भेद होते हैं और वाक्य के जो भेद होते हैं वो किसके आधार पर होता है, और इसके जितने भी VVI क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर बात क्या है, वाक्य विचार। आज हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक यही है हम लोगों का कि वाक्य विचार क्या है। हम लोग पढ़े थे वाक्य विचार ग्रामर यानी व्याकरण की वह शाखा है जिसमें वाक्य की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं, वाक्य कैसे बनता है बनावट के बारे में पढ़ते हैं, उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं, कैसे बांटा गया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। उस शाखा को कहते हैं वाक्य विचार। ये हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे, व्याकरण का पार्ट 1 जो है ना उसी में बताया गया कि वाक्य विचार किसे कहते हैं, है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, शब्दों के सार्थक क्रमबद्ध समूह जिससे कोई भाव अस्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, शब्दों का सार्थक क्रमबद्ध समूह होता है, शब्द सब मिला होगा, एक क्रम में मिला होगा और उससे कुछ अर्थ निकलता होगा, कुछ नहीं पूरा अर्थ निकलता होगा, उसे कहते हैं वाक्य। यानी शब्दों का वैसा क्रमबद्ध समूह जिससे पूरा अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लिखते हैं, हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, इसमें कौन कौन शब्द हैं, ये सारे शब्द हैं, ये सब शब्द हैं और ये शब्द को हम मिलाए हैं, हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं। अगर इसमें व्याकरण को पहले कर देंगे तो क्या होगा, व्याकरण हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, क्या इसका सही अर्थ निकलेगा? चलिए हम इसमें व्याकरण को पहले कर देते हैं, फिर उसके बाद पहले कर देते हैं व्याकरण को फिर हिंदी को, तो क्या बनेगा, देखिए व्याकरण हिंदी है पढ़ते हम लोग, क्या ये वाक्य है? नहीं। ये वाक्य नहीं है। क्यों नहीं वाक्य हुआ है? इसमें भी तो शब्द है, वही शब्द है जो इसमें है, इसमें जो जो शब्द है वो शब्द यहाँ पे रखे हैं, परंतु इसमें क्रम में है, इसके बाद ये और इसके बाद ये और लास्ट में वो है, ये क्रम में है, तो क्रम के हिसाब से कुछ अर्थ दे रहा है। कहते हैं हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, इसका मतलब भाव स्पष्ट हो रहा है कि हम सब मिलकर हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हैं, पूरा भाव स्पष्ट हो रहा है, यानी कि पूर्णतः स्पष्ट हो रहा है, जिससे कोई भाव स्पष्ट हो रहा है। आ यही में बोलते हैं व्याकरण हिंदी है पढ़ते हम लोग, तो ये क्रम में नहीं है, इसीलिए पूरा वाक्य स्पष्ट नहीं हो रहा, पूरा भाव स्पष्ट नहीं हो रहा, तो ये वाक्य नहीं है, शब्द का समूह है परंतु वाक्य नहीं है। यानी वाक्य तब होगा जब शब्द के समूह एक खास क्रम में जुड़े हों और एक खास अर्थ देता हो। समझ में आ गया? जैसे हम बोलते हैं वह पिकनिक मना रही है, हम बोलेंगे है रही मना पिकनिक वह, तो क्या होगा, वो खुद लगाया डूबा डूबा छ बोल रहा है नहीं, है ना, वो क्या बोलते हैं बालवीर का ना डूबा परी, कौन है परी नहीं ना वो है कौन, तोबा तोबा है, तोबा तोबा जो बोलता है पिकनिक मना रही है रानी, तो उल्टा बोलता है, वही तरह का हो जाएगा, तो उसका अर्थ ही नहीं निकल रहा, मतलब उसका अर्थ हम लोग निकाल लेते हैं मगर वो अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा अपने से, तो वाक्य नहीं है, वो वाक्य जैसा लग रहा है। शब्दों के समूह होने से वाक्य नहीं होता है, शब्दों का क्रमबद्ध समूह होना चाहिए और सार्थक होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ निकालना चाहिए, तभी जाके वो वाक्य होगा, नहीं तो वाक्य नहीं होगा। अब बात करते हैं कि वाक्य जो होता है ना उसके बारे में थोड़ा सा और परिभाषा पढ़ लेते हैं। वाक्य का कोई दूसरा परिभाषा बना सकते हैं तो बनेगा, उसका दूसरा परिभाषा क्या है सुनिए। तो वाक्य का ही एक और परिभाषा बना रहे हैं, बनाए हैं हम लोग, क्या बनाए, देखिएगा, सार्थक शब्द, शब्द या शब्द समूहों का नहीं, सार्थक शब्द या शब्दों का वह समूह जो क्रमबद्ध हो, क्रम में हो, तथा जिसका भाव, जिससे भाव स्पष्ट हो या विचार स्पष्ट हो, कैसा, पूर्णता स्पष्ट हो, पूर्णता, पूर्णता मतलब क्या, पूरा भाव स्पष्ट हो, उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे फिर देख लीजिए, राम प्रतिदिन कोचिंग जाता है, हम लोग गुरुकुल कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, ये सब क्या है, पूरा अर्थ स्पष्ट कर दे रहा है, पूरा बात बता दे रहा है, तो हम कहेंगे कि ये वाक्य है, क्योंकि ये पूरा अर्थ बताने का काम कर रहा है। नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
वाक्य के दो घटक होते हैं। देखिए कोई भी चीज बनता है ना, दुनिया में जो भी चीज बना है ना, उसके कुछ घटक होते हैं। क्या होते हैं? घटक होते हैं। घटक समझते हैं? जैसे हम खीर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? खीर। तो खीर किन किन चीजों से बना है? तो हम कहते हैं खीर में दूध रखा गया है, चावल रखा गया है, सेवई है तो सेवई रखा गया होगा, चीनी रखा गया होगा, और मसाला होता है उसका जो भी, वो सब रखा गया है। तो ये सब पानी भी रखा जाता है थोड़ा, है ना, छिड़कने के लिए। तो कहने का मतलब ये सब क्या है? ये सब खीर का घटक है। कहती है खीर का घटक। खीर जिस जिस चीज से मिलकर बना है ना, उसी को खीर का घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? खीर का घटक। चाय जथी से बनता है ना, वो चाय का घटक है। समोसा जथी से बना है, समोसा मैदा का बनता है, आलू होता है, मसाला होता है, तेल में फ्राई होता है, वो सबसे बना है। तो समोसा घटक हो गया आलू, मैदा, मसाला, चटपटेदार चीज़ें हो गया, है ना। उसी प्रकार से वाक्य जो बना है उसका भी किस चीज़ से बना है वो, तो वाक्य जिस चीज़ से बना है वो वाक्य का घटक कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य का घटक। तो वाक्य किस से बना है? तो वाक्य जो है ना दो चीज़ों से बनता है, एक कहलाता है उद्देश्य और दूसरा कहलाता है विधेय। एक क्या कहलाता है? उद्देश्य, और दूसरा क्या कहलाता है? विधेय। इसे उद्देश्य को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। हिंदी में, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ठीक से कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। और इसी विधेय को कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट अंग्रेजी में कहते हैं, उतना ध्यान समझना नहीं, बस अलग चीज नहीं है। हिंदी में कहते हैं उद्देश्य, अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट। इसको विधेय कहते हैं हिंदी में, सब्जेक्ट इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेडिकेट। बस इतना समझना, बात यहाँ पे ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना ये कि उद्देश्य किसे कहते हैं। देखिए वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है ना, उसे कहते हैं उद्देश्य। जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं वो क्या है? उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है ना, उसे कहते हैं विधेय। क्या कहते हैं? विधेय। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, उद्देश्य और विधेय आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कौन उद्देश्य है और कौन विधेय है तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। जैसे वाक्य देखिए यहाँ पे, सोहन एक विद्यार्थी है। इस वाक्य में हम किसके बारे में बता रहे हैं? किसके बारे में? सोहन के बारे में बता रहे हैं ना। तो सोहन उद्देश्य हो गया। क्या हो गया? उद्देश्य। सोहन के बारे में क्या बता रहे हैं? तो सोहन एक विद्यार्थी है। क्या है? सोहन एक विद्यार्थी है। तो ये जो देखे ना, एक विद्यार्थी है, ये हो गया आपका विधेय। क्या हो गया? आया समझ में? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, उसे कहते हैं उद्देश्य। जिकरा बारे में हम बात कर रहे हैं, जो बात हम उकरा बारे में कर रहे हैं, वो बात कहलाता है क्या? विधेय। जैसे तुम्हारे बारे में बोले कि सोहन एक ईमानदार लड़का है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो सोहन क्या हो गया? उद्देश्य। और सोहन के बारे में हम क्या बता रहे हैं आपको? बहुत ईमानदार लड़का है, रोज पढ़ने आता है, रोज होमवर्क बनाता है, बड़ा ईमानदारी से काम करता है। तो हम क्या कहेंगे? उसके बारे में बता रहे हैं, तो वो जो बात हुआ कि बड़ा ईमानदार लड़का है, वह क्या हो गया? विधेय हो गया, क्योंकि उसके बारे में हम बतिया रहे हैं ना, तो विधेय हो गया। समझ में आ गया? हम बोलेंगे वे लोग बड़ा बहादुर लड़का है, क्या वे लोग बहुत बहादुर लड़के हैं, तो वे लोग क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। अब बड़ा बहादुर लड़का है, वो क्या हो गया? विधेय हो गया। अब आप बताइएगा, एक हम वाक्य लिखते हैं, बताइएगा कौन में है उद्देश्य और कौन विधेय है। गीता गीत गाती है, गीता गीत गाती है। चलिए बताइए कौन इसमें उद्देश्य है? एकदम आसानी से बता दिए, गीता के बारे में बात कर रहे हैं, तो गीता क्या हो गया? उद्देश्य। अब कौन इसमें विधेय है? गीत गाती है। क्या? गीत गाती है, क्या हो गया? विधेय। उद्देश्य को छोड़कर बाकी सब विधेय होता है। फिर समझ लीजिए, जेकरा बारे में बात करें उद्देश्य, आज जोकरा ओकरा अलावा जो भी वाक्य में है वो सब क्या कहलाएगा? विधेय।
तो कोई पूछेगा वाक्य कथी कथी से बना है, तो कहिएगा गया उद्देश्य से और विधेय से। कथी बना है उद्देश्य से और विधेय से। तो एगो हम फॉर्मूला बना सकते हैं, जानते हैं क्या कि वाक्य क्या होता है? तो वाक्य में भैया दो चीज होता है, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है भैया विधेय। क्या होता है? विधेय। ठीक है बुआ, कोई दिक्कत? चलिए ये क्लियर हो गया हमारा बात, क्लियर हो गया तो भाई चलिए आगे चलते हैं। चलिए भैया चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इसके बाद वाला बात करते हैं क्या है कि भैया उपवाक्य क्या है। वाक्य तो समझ में आ गया, वाक्य कथी कथी से मिला वो भी समझ में आ गया, उपवाक्य किसे कहते हैं? क्या है उपवाक्य? कह रहा है क्या, जिन क्रिया पदों, जय ध्यान दिया क्या कह रहा है, थोड़ा सा एक काम नहीं किया आप लोग जानते हैं क्या, खिड़की बंद नहीं किया। अब देखते हैं हम लोग उपवाक्य किसे कहते हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, उपवाक्य किसे कहते हैं। देखिए जिन क्रिया युक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त हो उसे उपवाक्य कहते हैं। मतलब क्या होता है, ये वाक्य का टुकड़ा होता है, वाक्य का खंड होता है, एक पूरा वाक्य नहीं होता है, कोनो वाक्य का एक टुकड़ा होता है जिससे पूरा बात स्पष्ट नहीं होता कि क्या कह रहा है, मगर थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, पूरा बात स्पष्ट नहीं होता है। जैसे यहाँ देखिए ना, आंशिक भाव स्पष्ट होता है, क्या होता है आंशिक भाव, आंशिक का मतलब होता है थोड़ा, क्या होता है मतलब थोड़ा, पूरा बात पता नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा बात पता चलेगा, वो वाक्य का एक टुकड़ा होगा उसे कहेंगे उपवाक्य। क्या कहेंगे? उपवाक्य। अब जैसे देखें ना, प्रधानमंत्री होता है तो उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं तो उपराष्ट्रपति, मुखिया होते हैं तो उपमुखिया, तो वाक्य होते हैं तो उपवाक्य। समय उप लग गया नहीं, चलिए तो चलिए ये बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ जैसे जैसे देखिए, तुम लोग खाते, पूरा बात समझे मैं, कथी खाते, कहाँ खाते, किधर खाते, कितना खाते नहीं बता रहे हैं, ठीक है, तुम लोग खाते पूरा अर्थ नहीं बता रहे हैं तो क्या है, उपवाक्य है। यदि तुम आते, हम आते तो कथी होता, कुछ बताइएगा अभी भैया, नहीं हम नहीं बताएंगे, तो पूरा नहीं बताइएगा तो वाक्य नहीं है, कथी है, उपवाक्य। पूरा बात हमको पता चलने लगेगा तो हम कहेंगे वाक्य। जैसे हम तुमको बोले यदि तुम आते ना तो व्याकरण सीख जाते, तुम शब्द कले पढ़ाते सर ये सीख जाते है ना, तो पूरा बात बताए ना, नहीं बता दिया। अब किसी लड़का जैसे वो नहीं आया था, हम उसको तुम कहोगे उसको कल, तुम यदि तुम कल आते, क्या बोल आगे बोल का थी छोड़ना बोल बोल, अरे तुम कल आते तो पूरा बात बताएंगे नहीं कि आता, कैसे वाक्य हो गया, वो क्या हो गया उपवाक्य। जब वाक्य होता तो पूरा, यदि तुम कल आते ना तो सर जी शब्द समझाए तो तुमको भी समझ में आ जाता, ये पूरा वाक्य हुआ कि नहीं हुआ। आ कोई आदमी ये कह दिया कि यदि तुम आते तो पूरा वाक्य बताएंगे नहीं कि आता, कभी हो गया वो उपवाक्य हो गया, क्या हो गया उपवाक्य, वाक्य नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात, पूरा बात बता दे, पूरा अर्थ बता दे तो कथी वाक्य, अधूरा बात बताए उसको क्या कहेंगे उपवाक्य। आ उपवाक्य भी एक प्रकार के नहीं होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य एगो आश्रित उपवाक्य। ये क्या होता देखते हैं, उपवाक्य के भी दो भेद हैं, एक का नाम है प्रधान उपवाक्य और दूसरा का नाम है आश्रित उपवाक्य। भैया ये प्रधान उपवाक्य क्या है इसको समझ लेते हैं, चलिए देखते हैं प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, वैसा उपवाक्य जो वाक्य के किसी अन्य उपवाक्य पर आश्रित न हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। ये ऐसा उपवाक्य है जो वाक्य में कोनो दूसरा उपवाक्य पे आश्रित नहीं होता है, अपना इंडिपेंडेंट होता है, वह कोनो पर निर्भर नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य है वो कोनो पर आश्रित नहीं है, वो अपना मालिक स्वयं है, वो केकरो पर केकरो अनुसार नहीं चलता, वो अपने अनुसार चलता है, वो प्रधान उपवाक्य है। और जो दूसरा के अनुसार चलते हैं, जो दूसरा उपवाक्य के अनुसार चलता है उसे क्या कहते हैं आश्रित उपवाक्य। क्या कहते हैं आश्रित उपवाक्य। ये ऐसे उपवाक्य हैं, ध्यान दीजिएगा, वैसे उपवाक्य जो
वाक्य के किसी अन्य उपवाक्य पर आश्रित हो, वो दूसरा वाक्य पे आश्रित होता है, दूसरा उपवाक्य पे आश्रित होता है, दूसरा वाक्य पे नहीं कह सकते मगर दूसरा उपवाक्य पे आश्रित होता है उसे कहते हैं क्या, आश्रित उपवाक्य। ये तो परिभाषा हो गया मगर समझ में अभी भी हम लोगों को नहीं आ रहा है कि भैया क्या प्रधान होता है क्या आश्रित होता है। समझ में इतना जरूर आ गया जो अपने आप पर आश्रित रहता है उसे कहते हैं प्रधान, जो कोना दूसरा उपवाक्य पर आश्रित रहता है उसे कहते हैं आश्रित। मगर अभी तक हमको समझ में नहीं आ रहा कि ना होगा, है ना। अब हम एग्जाम्पल समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, यदि वह कठिन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। इसमें दो गो उपवाक्य हैं, एक उपवाक्य है यदि वह कठिन परिश्रम करता, ठीक है, और दूसरा उपवाक्य है इसका तो यहां से लेकर पूरा चलिए उधर से हम लेते हैं इधर से लेते चलिए अवश्य सफल होता, अवश्य सफल होता। इसमें दो गो उपवाक्य है, ये देखिए ना वाक्य क्या गो है, एक एक गो वाक्य है, एक नंबर वाक्य है दो नंबर वाक्य है, तो एक गो वाक्य में दो गो उपवाक्य है, क्या गो वाक्य उपवाक्य है दो गो, एक उपवाक्य पीला वाला है यदि वह कठिन परिश्रम करता है, एगो ये ब्लू वाला है ग्रीन वाला जो देख रहे हैं ये दूसरा का उपवाक्य है, तो हमको पता कैसे चला कौन प्रधान है कि कौन आश्रित है, तो एकदम आसान बात है यदि वह कठिन परिश्रम करता ये प्रधान उपवाक्य है और ये दूसरा का नंबर अवश्य तो अवश्य सफल होता तो भी हो जाएगा इसमें तो छांट नहीं दिए हैं उसको उधर था तो उधर रहने दिए तो अवश्य सफल होता ये क्या है आश्रित उपवाक्य है। कैसे वो सफल कब होता, वो सफल तब होता जब वह तो ये चीज किस पे आश्रित है किस पे आश्रित तुम्हारा सफल होना, तुम सफल हो जाओगे कलेक्टर बन जाओगे डीएम बन जाओगे डॉक्टर बन जाओगे कब, जब कठिन परिश्रम करोगे। तो ये तो बात है ये आश्रित है, ये तभी सफल हो जाओगे जब ये होगा, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, कठिन परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। तो ये तो आश्रित ना है, बेचारा मुतकुआ है, ये तभी होगा जब ये होगा। जैसे यदि पिताजी मेला जाएंगे तो हम मेला जाएंगे, कौन प्रधान है, पिताजी मेला जाएंगे वो प्रधान है, आ तू मेला जाएगा तू आश्रित है, तू अपना पापा पे आश्रित है, तोर पापा जाएंगे मेला तो तू हो जाएगा, नहीं जाएंगे तो तू नहीं जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, आश्रित समझ में आया। हम तुमको बोलेंगे यदि वर्षा होगी तो हम छाता लेकर जाएंगे स्कूल, कौन प्रधान है, यदि वर्षा होगी ये वर्षा नहीं खाली वर्षा नहीं, यदि वर्षा होगी ये क्या हो गया प्रधान उपवाक्य, तो मैं छाता लेकर स्कूल जाऊंगा, ये क्या हो गया आश्रित। हम छाता लेकर स्कूल कब जाएंगे, वर्षा नहीं होगी तो क्या करेंगे, छाता लेकर नहीं जाएंगे स्कूल जाएंगे। समझ में आ रहा ना, इतना आसान बात है जो आश्रित होना चाहिए। यदि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो तुम अवश्य पास कर जाओगे, ना पढ़ाऊंगा तो पास नहीं करोगे, अगर ऐसा बात है तो तुम आश्रित हो हम पे, हम पढ़ाएंगे तो तू पास होगा, तो ये अवश्य पास कब हो जाओगे जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो तुम्हारा पास होना किस पर आश्रित है, मेरे पढ़ाने पर, है ना। तो ये हो गया प्रधान उपवाक्य, क्या हो गया और ये क्या हो गया आश्रित उपवाक्य। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा कौन प्रधान उपवाक्य है कौन आश्रित उपवाक्य, बता दोगे ऐसे बता दोगे। यदि मेरी माँ खीर बनाएगी तो मैं आज झगड़ा नहीं करूंगा, आज मैं अपने भाई से झगड़ा नहीं करूंगा, अगर खीर ना बनाए ले तो झगड़ा करबो। अभी उजीद कर लिया आप कि अगर तू खीर नहीं बना, नहीं होता ना बच्चा सब कहते अगर तू हमारा बर्थडे ना मनाएबे तो बिहार स्कूल ना जबो, अभी आई बर्थडे मनाएबे तो स्कूल जबो, बोल मनाएबे कि ना मनाएबे, केक मंगाएबे कि ना, कहते ना केक ना तो पैसा नहीं बोआ तो हम ना जबो स्कूल पढ़े बिहार से।
और रूस गया। तो आप तो मम्मी को क्या कह रहा है, यदि तुम केक मंगाओगे तब हम कल से स्कूल जाएंगे, नहीं तो मारो हम नहीं जाएंगे। तो तुम्हारा स्कूल जाना किस पर आश्रित हो गया अब, केक पर। केक आएगा तो हम जाएंगे, नहीं आएगा नहीं जाएंगे। तो इसमें यदि तुम माँ के, तुम क्या बोल रहे हो, यदि मेरी माँ सुन लो, यदि तुम मेरे लिए केक मंगाओगे तो हम कल से स्कूल जाएंगे। तो इसमें कौन प्रधान उपवाक्य है, हाँ नहीं अब केक खाली नहीं कहो, गलत बात है। यदि तुम केक लेकर आओगे, ये हो गया प्रधान उपवाक्य। तब मैं स्कूल जाऊंगा, ये हो गया आश्रित उपवाक्य। कोई दिक्कत, चलिए समझ में बहुत बढ़िया से आ गया आप लोगों को। अब चलते हैं भैया वाक्य पे, फिर वाक्य पे चलते हैं हम लोग। उपवाक्य पढ़ लिए बीच में, अब पढ़ते हैं वाक्य के बारे में कि भैया वाक्य को कितने भागों में बांटा गया। देखिए वाक्य के भेद क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वाक्य के भेद। वाक्य कितना प्रकार के होते हैं भैया, वाक्य के कई गो भेद होता है। देखिए सामान्यतः दो आधार पर वाक्यों के भेद किए जाते हैं, माने वाक्यों को बांटा गया है दो आधार पर। पहला आधार है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। अब बात आता है कि रचना के आधार पर कई भाग में बांटा गया है, वाक्य कई प्रकार के हैं। तो कह रहा है तीन प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। सरल याद करिए, वाक्य जो है ना रचना, रचना के आधार पे, रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं ना वो तीन प्रकार के हो गए। एक हो गए सरल, सरल वाक्य, दूसरा हो गया मिश्र, मिश्र वाक्य और तीसरा हो गया संयुक्त, संयुक्त वाक्य। क्लियर, कौन कौन वाक्य हो गया, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। याद रहेगा कौन कौन, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये भी समझ में आपको आएगा, मैं पानी और हम इन्हें आएंगे तो वो इन्हें आएंगे। देखो ये हाँ, अब देखो आया, मेरे जने जाएंगे उन्हें उन्हें जाएगा ये हाँ, देख रहा है गुड़का लगा ए, हम जने जने जाएंगे ना उन्हें उन्हें जाएगा यू हाँ, वो मुँह पर फोकस कर दिया है ये सर जी, यही है अपहचानित रहेगा। लॉक कर दिया ना, लॉक कर है, आँखा बंद करा तो वो बंद कर रहा है ठीक है। देखिए तुम बाकी थी, चल 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 कहीं थी पीछे है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो। देखिए तो आप लोगों ने देखा कि वाक्य प्रकार के प्रकार होते हैं तीन, कितने प्रकार होते हैं तीन। अब ये तीन प्रकार कौन कौन होते हैं, चलिए हम लोग देखिए क्या, किसके आधार पर, चलिए ध्यान से, रचना के आधार पे वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। अब बात आती है कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, है ना। देखिए एक क्रिया के साथ साथ एक उद्देश्य एवं विधेय वाले वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। वैसा वाक्य जिसमें एगो उद्देश्य हो, एगो विधेय हो और एगो क्रिया हो, उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य। जैसे देखिए ना यहाँ पर, जैसे देखिए एग्जाम्पल में समझ में आएगा आपको बड़ा बढ़िया से। यहाँ देखिए मैं, ये क्या है, मैं क्या है, बैठ, गलत बात है, उद्देश्य है। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, भूल जाएगा तो कहना होगा अजीब लिखा है रे। और बाकी जो बच गया है, जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, ये सब क्या है, क्या है, विधेय है, क्या है, विधेय है। आई में कौन क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्या है, क्रिया है, पढ़ना क्या है, क्रिया है, ये क्रिया है, क्रिया, अरे क्रिया कहने है, क्रिया ये है, क्रिया, क्रिया ना रे बउआ, क्रिया है ना। अब बताओ इसमें कै गो उद्देश्य है,
एगो। कै गो विधे है एगो, आ कै गो क्रिया है जना में एक गो उद्देश्य, एक गो विधे और एक गो क्रिया हो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। याद रहेगा ना? आप देखिए इसमें भी देखिए ये क्या है, सीता उद्देश्य है, सीता है ये है मैं क्या है उद्देश्य ये। अब बाकी सब क्या है? आ गीत गाना, गाना क्या है? मैं गीत गाती है, गाती क्या हो गया क्रिया। फिर समझ लो है ना, समझ रहे? कै गो है, कै गो उद्देश्य है, कै गो विधेय है एक, कै गो क्रिया है एक, एक गो उद्देश्य, एक गो विधेय, एक गो क्रिया रहेगा तो क्या कहेंगे? सरल हुआ। और देखिए मेरी माँ खाना बना रही है, मेरी माँ क्या है? उद्देश्य है, उसके बारे में कहा जा रहा है। और खाना बना रही है ये क्या हो गया? ये हो गया। और मैं खाना बनाने का काम कर रही है, खाना बनाना क्या हो गया? क्रिया। आया समझ में? इस तरह से चलता है इसका बात। जा ये काला बंद हो गई रे, गड़बड़ ना है, बंद नहीं ना होना चाहिए, लाइट कट गया देख रहा था, बंद नहीं होना चाहिए ना, लेकिन मोटा पर जुड़ा है ना, समझ? लाइन कटा है तो पंखा ना बंद होगा, ये काला बंद हो गया, गलत बात है ना, तो बहुत गलत काम किया, लाइन कटा तो ये कटेगा ना, हमारा पंखा काला बंद हो गया, गलत बात है भाई, लाइन कटा है तो हमारा पंखा काला बंद हो गया, ये बोला लाइन कटेगा तो हम ना पढ़ाएंगे, बदमाशी करता है ये सब, बहुत गलत बात है ना, ये लाइन कटेगा तो ये नहीं करना चाहिए, तो बहुत गलत बात है ये, तो वो नहीं है, हो गया वो चालू। देखिए तो हम लोग देखे सरल वाक्य में क्या होता है, समझ में आ गया है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या मिश्र वाक्य, क्या पढ़ने जा रहे हैं? मिश्र वाक्य, वैसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं? मिश्र उपवाक्य। मिश्र आश्रित भी हो और प्रधान भी हो उसमें, जैसे यदि वह यहाँ आता तो मैं उसे पढ़ाता, क्या होता तो बताओ, तो इसमें प्रधान उपवाक्य कौन है? हाँ यदि वह यहाँ आता तो ये हो गया प्रधान उपवाक्य, क्या हो गया? अब मैं उसे पढ़ाता, ये हो गया आश्रित उपवाक्य, तो एक वो प्रधान उपवाक्य रहेगा और वो आश्रित उपवाक्य रहेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? मिश्र वाक्य कहेंगे, क्या कहेंगे? देखो यही वह घर है जहाँ हम लोग रहते थे, तो ये प्रधान उपवाक्य है, क्या है? और ये आश्रित उपवाक्य है। फिर देखो यदि वह पढ़ता तो अवश्य पास कर जाता, अवश्य सफल हो जाता, है ना? तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, तीनों देख रहे हैं, तीनों ये तीनों है क्या? प्रधान उपवाक्य, क्या है? प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। और ये देख रहे हैं ये सब है आश्रित उपवाक्य, क्या है? आश्रित उपवाक्य। तो जो ना वाक्य में एगो प्रधान उपवाक्य हो, क्या हो? एगो प्रधान उपवाक्य। अब बाकी सब क्या हो? आश्रित उपवाक्य। उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। अब तुमको क्या कहेंगे हम? अब उसको ले डंडा लेता है वो, खड़ा हो तुम, पूछेंगे तो पीटवा करेंगे। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या संयुक्त उपवाक्य। देखिए क्या करा है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जो समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं संयुक्त उपवाक्य। माने वैसा वाक्य जो ना में दो दो गो वाक्य, तीन तीन गो वाक्य जुड़ा रहेगा, कति से जुड़ा रहेगा? और से। कति जुड़ा रहेगा? और से। बीच में रहेगा और से जुड़ा रहेगा। वैसा वाक्य जिसमें दो गो वाक्य या उपवाक्य और से जुड़ा रहे, किससे जुड़ा रहे? और से जुड़ा रहे, तथा से जुड़ा रहे, एवं से जुड़ा रहे,
या से जुड़ा रहे, ये सब जुड़ा रहेगा, इस सब से जुड़ा रहेगा ना, इसको कहते हैं समुच्चय बोधक अवयव। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अवयव। अंग्रेजी में कहते हैं कंजक्शन, इंटरजेक्शन का कंजक्शन है ना, तो वही कंजक्शन होता है, ये सब जोड़ने का काम करता है। दो गो वाक्य से जुड़ा रहेगा इसमें, दो गो वाक्य भी जुड़ा हो सकता है इसमें, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे, शिक्षक हमारे घर आए, आए और क्या किए, और मेरे भाई को एक उपहार दिए। क्या दिए? मेरे भाई को एक उपहार दिए। तो कै गो उपवाक्य है इसमें? दो गो उपवाक्य है, या दो गो उपवाक्य है, तो कैसे जुड़ा हुआ है इससे बताइए तो? कैसे जुड़ा हुआ है? और से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना, तो क्या हो गया ये? संयुक्त वाक्य हो गया। क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। और देखिए इसमें, इसको देखिए, मेरा भाई वहां गया और उसने एक गीत गाया। किससे जुड़ा हुआ है? और से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो कैसा वाक्य हो गया ये? संयुक्त वाक्य। ये भी संयुक्त वाक्य है और ये भी संयुक्त वाक्य है ना, पहचानना आसान। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब है वाक्य को उसके अर्थ के आधार पर भी बांटा गया है, वो आठ प्रकार है। कितने प्रकार हैं? हम पहले ने बताया, किताब नहीं देखिएगा। हम किताब क्यों बता दिए हैं कि घर जाके पढ़िएगा, बदमाशी काला करते रहते हैं। किताब अभी नहीं देखना है, घर जाके पढ़ना है उसको, या नहीं? देखिए अर्थ के अनुसार जो होते हैं ना, वो हमको गड़बड़ाते रहते हैं, आप लोग बड़ा गड़बड़ा करते हैं पता है, और लेटर पास रहेगा, हम रहेंगे, हम तो चल जाएंगे, ही रहेंगे ना, किताब तो जब पढ़िएगा। देखिए अर्थ के अनुसार जो होते हैं ना वाक्य, आठ प्रकार के होते हैं। परीक्षा में यह भी आता है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आठ प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर या अर्थ के अनुसार वाक्य के निम्नलिखित आठ भेद होते हैं। पहला है विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा विस्मादि बोधक वाक्य, और छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संदेहवाचक, और आठवां संकेतवाचक। ये सभी आठ प्रकार के होते हैं, सभी का परिभाषा हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं? देखिए, किसी बात का होने का बोध हो, वैसा वाक्य जिसे सीधा कोई बात होने का बोध होता हो, सीधे तरफ पे कोई काम होने का बोध होता हो, उसे कहते हैं क्या? विधिवाचक वाक्य। जैसे मैं यह किताब पढ़ता हूँ तो वो काम हो रहा है, पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? विधिवाचक हो गया। ऐसे में आकाश में बादल छाए हुआ है, बादल कहाँ छाया हुआ? आकाश में छाया हुआ, सिंपल से एक बात हो रही है, एक बात हो रही है। अगर के वह खाना बना चुकी है, खाना बनाने का काम हो चुका है, ये सब बात हो गया, तो इस सब को क्या कहेंगे हम लोग? विधिवाचक वाक्य। अब देखिए अगला है निषेधवाचक वाक्य, वैसा वाक्य जिसमें मना किया जाता हो, किताब मत पढ़ो अभी, मना कर दिए, निषेधवाचक वाक्य है, अभी मत जाओ वहाँ पे, बात मत करो क्लास में, ये सब क्या है? निषेधवाचक है, मना कर रहे हैं। जिस वाक्य से मना करने का बोध होगा, जैसे हम उसको बोल रहे हैं कोमल कुमारी तू पेंसिल से मत लिखो अभी, क्या है? निषेधवाचक वाक्य, मना किए हैं क्लास में लिखने के लिए, तो यो लिख रही हो, मना कर दिए, निषेधवाचक वाक्य है। क्या है? निषेधवाचक वाक्य है ना। और देखो परीक्षा में चोरी मत करो, मना कर दिए, निषेधवाचक वाक्य है। यहाँ शोर मत करो, हल्ला गुल्ला मत करो, क्या है? निषेधवाचक वाक्य है, क्योंकि मना कर रहे हैं ना इसलिए। अगला वाक्य देखिए, जिसमें वैसा वाक्य जिसका इसका नाम पढ़े, देखिए क्या, आज्ञावाचक वाक्य, वैसा वाक्य जिससे आज्ञा, अनुरोध, आदेश इत्यादि का बोध होता है, ऐसे वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुमको कोई आज्ञा, कोई तुमसे हो सकता है आज्ञा दे रहे हो तुम, या तुमसे अनुरोध कर रहे हो, या तुमको आदेश दे रहे हो, ऐसे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? आदेशवाचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य। क्या होता है देखिए, यहाँ पौधा लगाओ, जैसे तुम मेरा नौकर हो, हम मालिक हैं, तुम क्या है? यहाँ पौधा लगाओ, ए कुर्सी वहाँ ले जाओ, ए वहाँ पर जाओ, वो काम कर लो, तो क्या आज्ञा दे रहे हैं तुमको? आप ऐसे भी कह सकते हैं, कृपया करके अपना पेन दीजिए, है ना, कृपया यहाँ से थोड़ा घसकिए, ये क्या है? तुमको अनुरोध कर रहे हैं। तो ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं हम लोग? आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे प्रश्न किया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे प्रश्न पूछते हो, जैसे आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, है ना, प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर पूछे वह क्या खा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो,
तुम कहाँ जाते हो, तुम कब खेलते हो, ये सब क्या है? तो ये सब प्रश्न पूछने का जो होता है ना, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। अगला है विस्माधिबोधक वाक्य। वैसा वाक्य जिससे आश्चर्य का बोध हो, हर्ष यानी खुशी का बोध हो, दुख यानी दुख का बोध हो, मन में दुख होता हो, घृणा यानी घीन बढ़ता हो, और उस चीज को आप व्यक्त कर रहे हैं शब्द के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से। तो जब अगर कोई वाक्य पढ़ने पर लगे कि ये इसमें आश्चर्य का बोध हो रहा है या हर्ष दुख या घृणा का बोध हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये विषम आदि बोधक वाक्य हैं। जैसे आह फूल कितने सुंदर है, कहीं फूल देखे मन खुश हो गया, आह कितने सुंदर फूल है, सूर फूल कितने सुंदर है, वाह कितनी सुंदर लड़की है, छिह कितना खराब लग रहा है, ये सब क्या है? घिन बढ़ता है या खुशी होता है, या वाह मज़ा आ गया खाना खाकर, कितना टेस्टी खाना था, तो ये क्या मज़ा आ रहा है ना, आश्चर्य हो रहा, बाप रे कितना बड़का पुल है रे, मज़ा आ रहा है, पुल बहुत लंबा है, अरे बाप रे कितना बड़का सांप है, तो क्या आश्चर्य हो रहा है ना। तो ऐसा वाक्य रहेगा ना, समझ आइए क्या है, विषम आदि बोधक वाक्य। ऐसे में वाह कैसे फूट गया रे नाक पर, आश्चर्य हो रहा ना हमको, ठीक ठाक था मगर फूट गया, कैसे फूट गया, चला कैसे उदा उदा गया कहीं, तो हम लोग आश्चर्य हो रहा है ना, नहीं हो गया, तो ये सब आश्चर्य बोधक वाक्य है, आश्चर्य बोध करा रहे हमको, आश्चर्य हो रहा है तुम बोधक। और देखो, काश आप मेरी बात पर ध्यान दिए होते, कहे थे कि पढ़ कर आइएगा, वीडियो में समझ कर आइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मगर नहीं करते हैं, ध्यान ही नहीं देते मेरे बात पर, काश आप मेरे पर दांत पर ध्यान दिए रहते हैं, तो ऐसा नहीं ना होता। देखिए, ईश्वर आप, ईश्वर या आपने, हे ईश्वर या हे ईश्वर चाहे ईश्वर, आपने यह क्या कर दिया, हे भगवान कथी कह देला, नहीं बोलते हैं, हे भगवान केना ब्याह, कितना दुख हो गए बच्चा के, हे राम का बाप मर गए, माया लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में दुख हो रहा है ना, उसको दुख को बताने के लिए, हे भगवान कैसे मर गए ना, वाह कार जीत गया, वाह वाह कौन बनेगा करोड़पति में, करोड़पति बन के आया है, तो ऐसे में क्या होता है, आश्चर्य हो रहा है। तो ऐसा बात होता है तो क्या कहते हैं उसको, विषमाधिबोधक वाक्य। अब देखो नेक्स्ट, अगला है इच्छात्मक वाक्य। इससे हमारी इच्छा का बोध होता है, किसका बोध होता है, इच्छा का, कि हमारी इच्छा कैसी है, इच्छा का बोध होता है इससे। जैसे इच्छा देखिए ना, हमारी अब इच्छा आपको बताते हैं कैसी इच्छा का बोध होता है। देखिए जैसे लिखा हुआ, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, हम भगवान, हमारी इच्छा है कि भगवान आपको ना बुद्धि थोड़ा सा दे, कि क्लास में अंगीठी नहीं करना चाहिए, है कि नहीं, उसे ईश्वर आपको बुद्धि दे थोड़ा सा, है कि नहीं, क्लास में ऐसे करके नहीं बैठना चाहिए, भगवान आपको थोड़ा बुद्धि उद्धि दे, ये हमारी इच्छा है नहीं। और देखिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप कहीं जाते कहते आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप अच्छा से जाइए और अच्छा से आइए घर, है ना, और हमारे लिए मिठाई भी आई है ना, ठीक है, यात्रा मंगलमय हो, हम बोलते हैं आपकी परीक्षा बहुत अच्छा हो, आपके भविष्य की कामना करते हैं, भगवान करो कि तुम एक इंजीनियर बन जाओ, भगवान करे कि तुम एक डॉक्टर बन जाओ, ये इच्छा बोध हो रहा है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इच्छात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, इच्छात्मक वाक्य। नेक्स्ट देखिए, अगला है संदेहवाचक वाक्य, जिससे आपको संदेह व्यक्त हो रहा है। संदेह क्या होता है, क्या बच्ची रो रही होगी, हमारा भाईवा ना सब आम खा गया होगा, हमारे मामा जी मिठाई लेकर आए थे सब खा गया होगा, अरे इच्छा आपको, आपको संदेह हो रहा है कि खा गया होगा, हम तो तोप के आ गए नुका के मिठाई, पता ना खोज लिया होगा कहीं, इच्छा बने अक्सर लीची के समय में होता है, लीची कोई घर में लीची लेके आया है, आप चले यहाँ पढ़ने आए हुए हैं, आपका घरे पहुँच गया छोटका भाई, बस सब खा रहा चुरा चुरा के, हमारा भैया लीची खा गया होगा, अरे भाई और आपके मन में क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है कहीं ऐसा हो गया होगा, जाते थे कहते ना लीची तो है ही है अभी, मतलब संदेह हो रहा था, मतलब आपको शक हो रहा था, ऐसा वाक्य होता है, ठीक है ना, वह जा चुका होगा, हमको लगता है कि वह जा चुका होगा, आपके पापा जी कहीं से आने वाले हैं, लगता है हमारे पापा जी आए होंगे बाबा धाम से, घड़ी लेकर आए होंगे, नहीं संदेह हो रहा है ना आपको, नहीं तो ऐसा संदेह होता रहता है, जैसे आपको पता चल जाएगा कि हमारे पापा जी अभी मुंबई से आ रहे हैं, चाहे दूसरे जगह से कमा के आ रहे हैं, आने वाले हैं छठ में सब कहते हैं पापा जी, तो आपको संदेह होता है ना,
पापा जी आइए आने वाले हैं, कहीं आ गए होंगे ना, तो संदेह हो रहा आपको, फिर आपके आपके बच्चा को भी, अरे आपके पापा को भी संदेह होता है हमारा बच्चा पढ़ रहा होगा ना, बड़ा मन लगा के पढ़ रहा होगा, संदेह हो रहा है ना। उस संदेह मतलब क्या होता है, मतलब आपको कुछ इच्छा मन में ऐसा उठ रहा है ना, ऐसा संदेह हो रहा है ना, जैसे कि हो रहा होगा। अब हो रहा है कि नहीं हो रहा वो तो बात की बात है, सच है कि झूठ है वो तो बात की बात है, वो आपको संदेह हो रहा है, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य। अगला क्या है, संकेतवाचक वाक्य, जिसे संकेत मिलता हो, आज बहुत कड़कड़वा धूप उगल है, आज बड़ा गर्मी लगेगा, नहीं संदेह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, संकेत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जिस वाक्य से संकेत का बोध होता है ना, संकेत का बोध हो रहा है उसे क्या कहते हैं, संकेत। देखो ना, जैसे देखो ना, यदि तुम आओगे तो मैं चलूंगा, संकेत है, मैं कब चलूंगा, जब तुम आओगे, नहीं तो नहीं। अगला देखिए, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, वर्षा अच्छा हो रहा है इसका मतलब, इसका संकेत है कि फसल अच्छा होगा, धान बहुत बढ़िया होने वाला है, नहीं संदेह है कि नहीं है। इसे के लिए भैया मूर्ति बने था, है ना, चौक पर मूर्ति बन रहा है इसका मतलब दुर्गा पूजा होगा, नहीं फिर क्या बोलते हैं, तो चौक पर मूर्ति न बने छो हम की, इसका मतलब दुर्गा पूजा, संकेत क्या हो गया, दुर्गा पूजा न मनाया जाएगा लगता है, ऐसा होता है कि नहीं, संकेत होता है कि नहीं होता है, आए होता है संकेत, बिल्कुल संकेत होता है। पापा जी हंस के बात कर रहे हैं, जरूर कोई अच्छा बात होगा, पापा जी बड़ा गुस्साइल है आई, जरूर कुछ गलत हुआ होगा, नहीं संकेत वाचक होता है ना, संकेत मिल जाता है उससे उसका, नहीं ये सब बात है, संकेत जिससे बोध होता है उसे संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। सब समझ में आ गया, पूरा वाक्य समझ में आ गया। अब बनाइए क्वेश्चन, देखिए अब आया क्वेश्चन, अब हम आ जाते हैं इधर, इसको कर लेते हैं बंद, हमारा जगह इधर हो गया, देखिए इधर खाली, इधर क्लास, जितना सवाल बताएंगे ना, देखिए ये देख दिनू, फिर देखिए यूँ, देखिए यूँ 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 यूँ, है ना, सवाल आते जाए, चलिए चलिए कुछ सवाल को देखते हैं, ज़्यादा नहीं, अभी हम लोग 10-15 सवाल को देख लेते हैं, 10 मिनट भी नहीं लगेगा हमको, ठीक है ना। पहला है, ड्राइवर